हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर वन चित्रपदानी वन वर्कबुक एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये चैप्टर बुक के बुक से रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड FIB कंप्लीट करनी है. सह डैश तो क्या आएगा, सह मयूर, वो मयूर है, दैट इज ए पीकॉक. एष गज, यह हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट. एषा बालिका, दिस इज ए गर्ल. एतत बस यान, दिस इज ए बस, ये बस है. सा प्रतिमा, वह मूर्ति है, स्टैच्यू, दैट इज ए स्टैच्यू. अहम युवक, आई एम ए यंग मैन, मैं युवक हूँ. त्वम छात्र, तुम विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट. क्वेश्चन टू है, टिक द करेक्ट आंसर, फोर ऑप्शन है, उसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करके लिखना है. तो स्वान का मीनिंग क्या होगा, डॉग, कुत्ता. तो फर्स्ट का आंसर होगा सी, डॉग. सेकंड है संचिका, संचिका मीन्स क्या होता है, फाइल. तो इसका आंसर होगा सी, फाइल. थर्ड नंबर वातायनम मीन्स विंडो होता है, तो इसका आंसर होगा बी, विंडो. द्विचक्रिका, द्विचक्रिका किसको कहते हैं, ए बाइसिकल, बी ए बाइसिकल. एषः, एषः मीन्स ए, दिस, दिस, नज़दीक की चीज़ें दिखाने के लिए एषः वर्ड का यूज़ होता है, एषः मीन्स दिस. त्वम, त्वम मीन्स यू, सी यू. सेवन नंबर छात्रः, छात्रः किसे कहते हैं, ए बॉय स्टूडेंट, विद्यार्थी, पर जो बॉय स्टूडेंट है उसको छात्र कहते हैं और जो गर्ल स्टूडेंट है उसको छात्रा कहते हैं. अहम, अहम मीन्स आई. नेक्स्ट मयूर, मयूर मीन्स पीकॉक. मूर्ति ही, मूर्ति ही को संस्कृत में और क्या कहते हैं, प्रतिमा. सह सिंह, उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दैट इज ए लायन. दिस इज ए टेबल, तो ऐसा उत्पीठिका. थर्टीन नंबर तत द्वारम, दैट इज ए डोर. अब क्वेश्चन थ्री, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत. इंग्लिश में सेंटेंस बनाए हुए उसमें संस्कृत में लिखना है. यहाँ पे देखो 1 to 8 के बाद लिखा है कि यूज द वर्ब अस्ति विथ सिंगुलर फॉर्म सब्जेक्ट टू मीन इज. इज का मीनिंग यहाँ पे संस्कृत में हमें अस्ति वर्ड यूज करना है. और 9 से लेकर 12 में यूज़ द वर्ड अस्मि विद द सब्जेक्ट अहम. अहम के साथ अस्मि वर्ड यूज़ करना है और त्वम के साथ में असी वर्ड यूज़ करना है. तो दिस इज ए पीकॉक. एषः मयूरः अस्ति. दैट इज ए लायन. सः सिंहः अस्ति. दैट इज ए डॉग. एषः श्वानः अस्ति. दिस इज ए स्टैच्यू. एषः प्रतिमा अस्ति. That is a table. सा उत्पीठिका अस्ति. This is गीता. एषा गीता अस्ति. This is a window. एतत वातायनम अस्ति. 8 number. That is an aeroplane. तत विमानम अस्ति. 9 number. I am a teacher. अहम शिक्षकः अस्मि. 10 I am a girl. अहम बालिका अस्मि. 11 नंबर यू आर ए चाइल्ड. त्वम बालक असि. 12 नंबर यू आर ए स्टूडेंट. त्वम छात्र असि. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग संस्कृत सेंटेंस इनटू इंग्लिश. संस्कृत में सेंटेंस लिखा है उसमें इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है. तो एषः शुकः, इसका क्या मीनिंग होगा, दिस इज ए पैरोट, यह तोता है. सा संचिका, वह फाइल है, दैट इज ए फाइल. एषा गीता, दिस इज गीता, यह गीता है. एतत पुस्तकम, दिस इज ए बुक. त्वम छात्र, यू आर ए स्टूडेंट, तुम छात्र हो, तुम विद्यार्थी हो. अहम बालिका, आई एम ए गर्ल, मैं लड़की हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉच द गिवन पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट संस्कृत वर्ड अंडर ईच. सारे पिक्चर दिए हैं, उसके नीचे उसके करेक्ट वर्ड लिखना है संस्कृत में उसको क्या कहते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है, सिंह, लायन की है, तो इसका क्या लिखना है, सिंह. फिर सेकंड नंबर है फाइल, तो संचिका.
थर्ड नंबर डॉग की पिक्चर है तो वहाँ पे क्या आएगा, स्वानः। फोर नंबर है विमानम, एरोप्लेन है मतलब संस्कृत में उसको विमानम कहते हैं। फाइव नंबर में टेबल की ड्राइंग है तो टेबल को संस्कृत में उत्पीठिका कहते हैं। और सिक्स नंबर में पैरोट की पिक्चर है तो उसको संस्कृत में सुकह कहते हैं। ओके, उसके नीचे जो टेबल दिया है स्मृति स्तंभ कुरुत, मतलब ये रिमेम्बर याद करना है और आपको की नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुसक लिंग के तीनों रूप के वर्ण लिखे हुए हैं और सर्वनाम के भी लिखे हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। सुकह मीन्स अ पैरोट, सुकव मीन्स टू पैरोट, सुकाहा मीन्स पैरोट्स। सेम इसी तरह से सारे पुलिंग में वर्ड ऐसे यूज होते हैं, मयूरह मयूरव और मयूराहा, स्वानह स्वानव श्वानहा, सिंह सिंह सिंहाहा, गजह गजौ गजहा, अश्वह अश्वौ अश्वाहा। यदि एक के बारे में लिखना है तो सिंगुलर फॉर्म, दो के बारे में लिखना है तो ड्यूअल फॉर्म, और एक से दो से ज़्यादा बहुवचन प्लुरल फॉर्म में लिखना है तो प्लुरल फॉर्म वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये पुलिंग वर्ड थे, अभी जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग के वर्ड है, बालिका बालिके बालिकाहा, प्रतिमा प्रतिमे प्रतिमाहा, उत्पीठिका उत्पीठिके उत्पीठिकाहा, संचिका संचिके संचिकाहा। ये सारे जो पूरा टेबल है वो आपको लिख के लर्न करना है। नेक्स्ट पेज पे है नपुसक लिंग के वर्ड दिए गए हैं, वातायनम वातायने वातायनानी। ओके, विंडो टू विंडो और विंडोज, सिंगुलर ड्यूअल और प्लुरल फॉर्म, द्वारम द्वारे द्वाराणी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, चित्रम चित्रे चित्राणी, बस यानम बस याने बस यानानी। यहाँ पे देखो सिंगुलर फॉर्म का जो वर्ड है वो ड्यूअल फॉर्म में एक ही मात्रा लगती है ज़्यादातर, और प्लुरल फॉर्म में लास्ट वर्ड है नी या तो अणी, तो वर्ड के अकॉर्डिंग टू ऐड होता है। उसके बाद है सर्वनाम दिए हुए हैं, अहम मीन्स आई, आवाम मीन्स वी बोथ। एक के बारे में अपने बारे में बात करनी है तो अहम यूज़ करते हैं, और हम दो ऐसा वो यूज़ करना हो तो आवाम, और वयम मीन्स वी ऑल हम सब, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तौ ते, सा ते ताहा, तत ते तानी। एषः मीन्स दिस, मेल के लिए यूज होता है, एषः मीन्स दिस वो फीमेल के लिए यूज होता है, फीमेलाइन जेंडर मस्कुलाइन जेंडर, और एतत मीन्स न्यूट्रल जेंडर में यूज होता है, एतत मीन्स दिस। दो तीनों का मीनिंग सेम ही होता है दिस, बट उसका जो लिंग है जेंडर है उससे रिलेटेड वो वर्ड यूज होते हैं, एतौ और एते, एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत एते एतानी। ओके, यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ओवर हो गया। ओके, थैंक यू।